घोषित उपचुनाव के नतीजे आने के बाद सपाइयों ने बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के धागे खोल दिए हैं। जहां एक तरफ सुधाकर सिंह की शानदार जीत के बाद अखिलेश का साथ छोड़कर बीजेपी से हाथ मिलाने वाले ओम प्रकाश राजभर निशाने पर है। राजधानी लखनऊ में ओपी राजभर को लेकर होर्डिंग लगाए गए हैं, तो वहीं अब चाचा शिवपाल यादव को लेकर भी होर्डिंग लगा दिया गया है। जी हां, लखनऊ में सपा कार्यालय के पास चाचा शिवपाल का होर्डिंग लगा है, जिसमें लिखा गया है, भतीजे को हराने से पहले चाचा को हराना होगा और ये मुमकिन नहीं नामुमकिन है, टाइगर अभी जिंदा है। इस होर्डिंग पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के अलावा चाचा शिवपाल यादव और अब्दुल आजम सक्रिय सदस्य सपा, जिनको लेकर यह दावा किया जा रहा है कि उन्होंने ही ये होर्डिंग लगवाई है। आपको बता दें कि घोषित चुनाव परिणाम के बाद इससे पहले लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर एक होर्डिंग लगाई गई थी, जिसमें ओपी राजभर को दगा हुआ कारतूस बताया गया। पार्टी कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर में लिखा हुआ है, सभी दल सावधान, ओम प्रकाश राजभर दगे हुए कारतूस हैं। होर्डिंग में राजभर की तस्वीर और समाजवादी युवा जन सभा के पूर्व राज्य सचिव आशुतोष सिंह की भी तस्वीर लगी है। जानकारी के मुताबिक इस सपा नेता ने ही होर्डिंग लगवाई है। बता दें कि 2022 विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने सपा पर आरोप लगाते हुए गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया। कुछ ही महीने अकेले रहे और बीते जुलाई महीने में एनडीए गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के एनडीए गठबंधन में शामिल होने का भी कोई खास फायदा नहीं हुआ। वहीं चाचा शिवपाल यादव को लेकर वरिष्ठ पत्रकार ये दावा करते नजर आए। और एक चीज थी कि समाजवादी पार्टी में गुटबाजी बड़े पैमाने पर थी, लेकिन शिवपाल जी के आने के बाद दो बार में आए और लगभग लगता है कि 6-7 दिन दो टर्म में उनका था और उन्होंने घूम घूम के सारी गुटबाजी खत्म कर दी और सपा का हर कार्यकर्ता सपा के लिए वोट मांगता था, तो ये रहा। और पूरी तरह से जनता एकमुट बना चुकी थी कि उपचुनाव है और इनका चूँकि दारा सिंह की छवि जो है दल बदलू की बन रह गई है, और उनके जो खेवन हार बने थे ओम प्रकाश राजभर जी जो अपने बयानों से बड़ा विवाद में रहते हैं कब क्या बोलते हैं, तो थोड़ा सा लोगों की उनकी भी नाराजगी थी। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह ने भाजपा के दारा सिंह चौहान को 42,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया है। 33 राउंड के चले इस मतगणना में बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को 81,668 वोट मिले, वहीं सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह को 124,427 वोट मिले हैं। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।